Hey, good morning, guys. This is a surprise video recording morning 10 o'clock. Actually, this time from morning 10 to 11, I'm active in the market. I have always said this my multiple videos ki मेरे लिए मार्केट का जो समय है वो 10 से 11 है, बिकॉज मैं कैश मार्केट के अंदर में काम करता हूँ. मैं पोजीशंस लेता हूँ, पोजीशंस एग्जिट करता हूँ. सो आई डोंट डू डेरिवेटिव्स बिकॉज मेरी टीम है जो डेरिवेटिव्स में ट्रेड करती है. नॉनदिलेस, ये वीडियो रिकॉर्ड करने का पर्पस यही है कि एक सिंपल सा प्रोसेस मैं आपको दिखाना चाहता था कि सुबह पहले आके मैं क्या करता हूँ और एक फीलिंग लेने की कोशिश करता हूँ मार्केट में कि अभी मार्केट के अंदर में क्या चल रहा है. टिपिकली ये मॉर्निंग आवर मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ ताकि मॉर्निंग मार्केट का जो एनालिसिस है अपना शांति से कर सकूं, अपना होमवर्क कर सकूं और उसके बाद में फिर आई गो टू ऑफिस एंड कंटिन्यू विद माय बिजनेस हसल्स. तो फटाफट आपको दिखाता हूं कि कैसे देखता हूं मॉर्निंग मार्केट्स को और स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करता हूं अर्ली मॉर्निंग फॉर स्विंग, शॉर्टर टेन्योर स्विंग. जनरली मैं इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, आई एक्चुअली डोंट प्रमोट पीपल, बट जो पार्ट टाइम मार्केट में इन्वॉल्व है ना उनके लिए ये सेटअप अच्छा है कि सुबह अपना मार्केट में फोकस करके काम करके फिर उसके बाद अपने दूसरे बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाए. तो क्विकली लेट मी शो शेयर विथ यू द स्क्रीन एंड दिखाता हूँ कि मॉर्निंग के अंदर में आप कैसे कुछ इंटरेस्टिंग कर सकते हैं विच विल डेफिनेटली एड वैल्यू टू यू. सो जब मैं सुबह पहले मार्केट चालू करता हूँ तो स्टॉकेज ऑब्वियसली देखता हूँ, इसके अंदर में मार्केट का एक व्यू मिलता है और ट्रेंडिंग स्टॉक्स में जाता हूँ. ट्रेंडिंग स्टॉक के अंदर में आई थिंक इसके अंदर में ये कोयले का खान है और यहाँ हीरे हैं. अब आपको हीरा ढूंढना है. तो आज अगर आप देखो ये इतने सारे सेक्शंस है ना ट्रेडिंग स्टॉक में, प्राइस मूवर, वॉल्यूम शॉकर्स, 52 वीक हाई लो, ऑल टाइम हाई लो एंड मोस्ट विजिटेड सेक्शन इनसाइड दिस स्टॉकेज. अगर आप ट्रेंडिंग स्टॉक में देखो तो आज काफी पीएसयूज आपको नजर आएंगे. ओके, एंड ऑब्वियसली आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स भी नजर आएंगे जैसे आई मीन नॉन पीएसयू में जैसे नजारा है, ब्रिगेड है. तो मतलब ये स्टॉक्स के अंदर में कुछ ना कुछ तो हो रहा है, राइट? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन स्टॉक्स के अंदर में अपने को घुस जाना है, बट एट लीस्ट हमको ये पता लग रहा है कि इन स्टॉक्स के अंदर में कुछ ना कुछ तो हो रहा है. अब यहाँ पर अगर मैं फिल्टर करूँ, चलिए मैं फिल्टर कर देता हूँ बीएससी पीएसयू के हिसाब से, तो आप देखो पीएसयू स्टॉक्स के अंदर में कितनी जबरदस्त एक्टिविटी चल रही है आज. और ये आज से नहीं है, ये अगर आप ट्रैक करो ना पुराना भी, जब से मोदी जी ने वो स्टेटमेंट मारा था पीएसयू वाला, तब से देखो पीएसयू स्टॉक्स के अंदर में खासम खास एक्टिविटी है. फ्रॉम अ वॉल्यूम परस्पेक्टिव ऑल्सो देखो ये सारे स्टॉक्स में कितने एक्टिविटी. और सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, देखो ऑल टाइम हाई के अंदर में ये सारे स्टॉक्स है. तो मुझे एटलीस्ट ये स्टॉक्स मिल गए जिन स्टॉक्स के ऊपर में मैं अपना फॉलो ऑन एनालिसिस होमवर्क कर सकता हूँ. तो या तो मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा एक्सेल में और ट्रेडिंग व्यू के अंदर में अपलोड कर दूंगा, या मैं एक एक स्टॉक वाइज भी देख सकता हूँ और उनका एक्शन क्या है वो देख सकता हूँ. तो चलिए कुछ स्टॉक्स देखते हैं और उसके लिए मैं ट्रेडिंग व्यू को यूज करता हूँ बिकॉज इंट्राडे के अंदर में इट्स इजियर टू यूज ट्रेडिंग व्यू चार्ट, बिकॉज चार्ट इज एक्चुअली क्वाइट सुपीरियर. तो एमएमटीसी को देखते हैं पहले. एमएमटीसी बड़ा इंटरेस्टिंग इस तरह से स्टॉक्स आता है तो मुझे मुझे एक्चुअली काफी गुदगुदी होती है जब मैं इस तरह के स्टॉक्स देखता हूँ. आप देखिए ये मंथ का हाईस ने यहाँ क्रॉस किया था, अब ये ऊपर गया है और ये अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इसके ऊपर भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है. तो अगर कोई स्विंग पोजिशन बिल्ड करना चाहता है तो दीज आर द इंटरेस्टिंग स्टॉक्स, राइट? आई मीन जस्ट अ डिस्क्लेमर, हो सकता है कि मेरा भी पोजिशन हो बट दिस इज ओनली ओनली फॉर लर्निंग पर्पस, स्टॉक आइडेंटिफिकेशन. चलिए पीएसयू एक बार छोड़ देते हैं. आप बोलोगे सर पीएसयू तो पता ही है बढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या नई बात है आपने कह दी. तो चलिए काम करते हैं मेजर स्टॉक्स में आते हैं और नॉन पीएसयू स्टॉक्स में देखते हैं नजारा. अब नजारा का नजारा देखते हैं अपने. तो मैं कैसे देखता हूँ, मतलब मैं हमेशा किसी भी स्टॉक को आइडेंटिफाई करता हूँ और फिर अपना ये फ्रेमवर्क जो मैंने बना रखा है कि वीकली टाइम फ्रेम का जो फ्रेमवर्क है उसके, ये देखिए वाव मतलब ब्यूटीफुल, ये 728 के ऊपर चलना चालू किया तो कितना अच्छा ये मूव दे रहा है और डेली चार्ट के अंदर में देखिए कितना अच्छा स्ट्रेंथ है. सो दीज आर द स्टॉक्स जिनके अंदर में हो सकता है अपने को कंटिन्यूड मोमेंटम मिल जाए, अच्छा पोजिशन बिल्डिंग का अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो हम उसको क्यों लूज करें उस अपॉर्चुनिटी को. तो प्लीज प्लीज स्टॉकेज का ट्रेंडिंग स्टॉक सेक्शन जो कि फ्री है इसको यूज करिए. एवरी मॉर्निंग 1 घंटा आपको रिलीजियसली यूज करना चाहिए. इससे आपको एक फील पता लग जाएगा, मार्केट का एक पल्स मिल जाएगा और उसके बाद आप स्टॉक आइडेंटिफिकेशन के टेक्निक्स अपने बना सकते हैं और वो स्टॉक्स के अराउंड में ट्रेड किस स्टॉक में करना है, कैसे करना है, वो भी आप खुद का बना सकते हैं. और अगर आप खुद नहीं बना पा रहे कोई बात नहीं, स्टॉकेज सोशल में आ जाइए, स्टॉकेज क्लब के मेंबर बन जाइए, वहां डेफिनेटली ये सारी बातें हम कर रहे हैं जो कि हम प्रैक्टिस भी करते हैं. जैसे कि एग्जांपल के रूप में महाराष्ट्र सिमलेस 19 मई को हमने डिस्कस किया था कि कैसे ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक लॉन्ग स्विंग के लिए रेडी हो रहा है और देखिए 437 में डिस्कस किया, 580 का प्राइस हो गया. मैं ये नहीं बोलता हूँ कि यहाँ स्टॉक टिप डिस्कस हो रहा है,
एंड इट्स एनी वेज अ सेबी रजिस्टर प्लेटफॉर्म, तो हो भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है. बट व्हाट आई एम सेइंग दैट अगर आप अपना प्रोसेस फॉलो करो, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो, खुद ही का एक्सरसाइज प्रॉपरली करो, तो मार्केट में पैसे बनते हैं. खाली ये प्रोसेस, राइट प्रोसेस और राइट अप्रोच, ये दोनों आपको फॉलो करना चाहिए. चलिए, ये छोटा सा वीडियो बनाया था, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेटअप रहता है ये मॉर्निंग में, और आई होप आप भी कुछ ना कुछ इससे सीखे होंगे, और सीखे होंगे तो आप लोगों को भी सिखाएंगे. जितना आप लोगों को सिखाएंगे उतना अच्छा है. तो स्टॉकेज इकोसिस्टम के साथ जुड़िए और अपने शेयर बाजार की जर्नी को सुपीरियर बनाइए. थैंक यू, बाय, हैव अ ग्रेट डे.